भारत के लिए सोमवार का दिन दोहरी खुशी लेकर आया। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में महिला पुरुष दोनों ही वर्गों में जिले की टीम चैंपियन बनी। सीएम हेमंत सोरेन ने जहां इन्हें सम्मानित किया, वहीं खेलों को लेकर सरकार के कदमों को भी यहां पर सामने रखा कि सरकार अब आने वाले दिनों में खेल को लेकर क्या करने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची के खेलगांव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले खेले गए, जहां पूर्वी सिंहभूम की टीम का दबदबा दिखा। बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम ने रामगढ़ को धूल चटाई, तो वहीं बालक वर्ग में रांची को मात देकर पूर्वी सिंहभूम चैंपियन बना। सीएम हेमंत सोरेन यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीएम ने विजेता, उप विजेताओं और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार खेल को राजकीय बनाना चाहती है। खेल में भी अब युवा करियर बना सकते हैं। खिलाड़ियों को सीधी नियुक्तियां दी जा रही हैं। पंचायत स्तर तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री आमंत्रण का फुटबॉल टूर्नामेंट में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। 15 नवंबर से हर एक जिले में फुटबॉल टूर्नामेंट का कार्यक्रम आयोजित किया गया सरकार के द्वारा, और ये हमारा एक सोच था और ये एक प्रयोग भी हमने किया, जो अक्सर हम सुनते आए हैं कि झारखंड में खेल की दिशा में भी सरकार एक बेहतर प्रयास कर सकती है और खेल को राज्य का एक रीढ़ का हड्डी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस प्रतिभाओं को निखारने पर है। जल्दी खेलों के महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सरकार खेल नीति ला रही है, जिससे हमारे बच्चों को स्पोर्ट में भविष्य बनाने का मौका मिले। प्रतियोगिता पूरे राज्य भर में एक उत्साह के रूप में हमारे बच्चों ने, हमारे लड़के लड़कियों ने अपना खेल का हुनर दिखाया। उसी प्रकार हमारे इस सबसे दुर्गामी क्षेत्र जो कुछ राज्य में है, जहां हमारे क्षेत्र उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी एक सहाय नाम का एक योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें 4 खेल शामिल है। मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत प्रखंड स्तर से हुई थी, जो जिला स्तर तक पहुंची। पूर्वी सिंहभूम की बेटियों ने जहां फाइनल मैच में रामगढ़ की टीम को 4-2 से धोया, वहीं बालकों की टीम ने भी अपने बेहतर प्रदर्शन से रांची की टीम को 3-1 से पटखनी दी। पूर्वी सिंहभूम बालिका टीम 2020 की विजेता रही थी, उसने अपनी जीत का सिलसिला दूसरे वर्ष भी कायम रखा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।